वेलकम टू माय चैनल पूनम की प्यारी दुनिया फ्रेंड्स। आज एक फिर से बिना तेल बिना हल्दी वाली रेसिपी लेके आई हूँ और ये है करेले के बारे में। करेले के बारे में तो अक्सर बोलते हैं कि कम तेल में बनता ही नहीं, चाहे आप इसको सूखा बनाएं चाहे आप इसको भरवा बनाएं, बट आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बिल्कुल जीरो ऑयल में बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, करेले को हमने कट कर लिया है। इससे ये भी पता चल जाता है कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है, और अगर हार्ड इसमें बीज रहता है तो उसको निकाल भी देते। तो इस तरह से कट करके कुकर में ले लें, दो चम्मच पानी डालेंगे बस इसमें, इसको बेक जैसा हमको करना है, और डालेंगे चुटकी भर नमक। इस तरह से शेक करेंगे और फिर कुकर का ढक्कन लगा के फुल फ्लेम पे 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। और जब तक ये बॉयल होता है कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये हाफ प्याज को यहाँ पे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, एक छोटा टुकड़ा अदरक, 3-4 कलियां लहसुन की, थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया, आधा टुकड़ा लिया है हमने नींबू, और ये सबको कट करके रख लिया है। तक आप ये कटिंग वगैरह करेंगे प्रिपरेशन, तब तक ये देखिए कितने अच्छे से ये गल गया है, और इसमें बीज जो है सॉफ्ट वाला, तुमको निकालने की जरूरत नहीं, हल्का सा इस तरह से चम्मच से या हाथ से मैश कर देंगे। और इस रेसिपी के साथ मेरी एक यादें भी जुड़ी है। मेरे पापा को ये इतना ज़्यादा पसंद था कि वो रोज़ दाल में ही इसको दाल के साथ ही डाल देते थे और डेली खाते थे ये हेल्दी सब्जी। तो इसको बनाते समय मुझे मेरे पापा की भी याद आती है कि उनको ये कितना पसंद था करेला, और अच्छा लगता है कि वो इतने हेल्दी हेल्दी खाना खाते थे, और वहीं से हम लोगों ने सीखा है इस तरह से हेल्दी खाना, नो ऑयल और ज़्यादा कुक भी नहीं करना। और ये करेला जो है ना, मेरे घर का ऑर्गेनिक है, तो मैं वैसे भी इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी बहुत ज़्यादा कुक करके, तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है इसके लिए। इसमें मैं ये नींबू का रस निचोड़ रही हूँ, क्योंकि इसके जो थोड़ा बिटरनेस रहता है ना, उसको ये बैलेंस करता है। पहले भी हमने इसमें नमक डाला है, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे और स्वादानुसार, और इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एक सीक्रेट मैं और बताना चाहूँगी, अगर आप इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाना चाहते हैं, चटपटा बनाना चाहते हैं, तो आपके घर में वो जो बिना ऑयल वाला नींबू का अचार है ना, वो डाल दीजिए, फिर तो मज़ा आ जाएगा। और एक माइंड सेट बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जीरो ऑयल वेजिटेबल खाना चाहते हैं। तो ये हमारा सब्जी जो है वेजिटेबल रेडी हो गया है। वैसे भी अपने पेरेंट्स को याद करके, उनके द्वारा बनाई हुई या खाई हुई रेसिपी जब याद करते हैं तो हमारे फेस में ऐसे ही ब्लश होने लगता है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका भी, आपके साथ भी ऐसा होता है। बनाइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।